सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो पे। यदि आप लोग बिहार से बीएड करना चाहते हैं तो आप लोगों को बीएड कंप्लीट होते होते कितना खर्च लग जाएंगे, और यह भी बताऊंगा कि गवर्नमेंट कॉलेज का फी कितना होता है और अफिलेटेड कॉलेज का फी कितना होता है और कंसिस्टेंट कॉलेज का फी कितना होता है, साथ में कौन से कॉलेज आप लोगों के लिए बेटर होंगे वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लोगों को पता है कि बिहार में अगर किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं बीएड में तो आपको इससे पहले एंट्रेंस एग्जाम पास करनी होती है। अच्छा अंक एंट्रेंस एग्जाम में लाना जरूरी है, इसके लिए आपके मार्केट में चक्षु प्रकाशन की बुक मिलेंगे, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के बिहार बीएड को लेकर, ठीक है, तो वो बुक आप लोग परचेज अवश्य कर लीजिएगा। इसकी खासियत मैं आप लोगों को कुछ दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो पिछले 5 साल एंट्रेंस एग्जाम हुआ है ना, तो उन सभी का सोल्व पेपर भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है 2100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे वो भी देखने को मिल जाएगा। 100% सिलेबस की गारंटी है। अगर आपके मार्केट में चक्षु प्रकाशन की बुक नहीं मिल रहा है तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी मंगवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। व्हाट्सएप पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं कूपन लेकर के, तो वो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं होते हैं तब आप लोगों को किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। तो एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों को कितना अंक लाना है ताकि आप लोगों को सरकारी कॉलेज मिले या कंसिस्टेंट कॉलेज मिले या अफिलिएटेड कॉलेज मिले वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो चला तो लाइक कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सभी बातें को स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहली बात, आप लोगों के मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा और उत्पन्न इस बात को लेकर के हो रहा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज हैं, सभी कॉलेजों में अलग अलग फी रहते हैं लगभग लगभग, तो हमें सरकारी कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा, साथ में कंसिस्टेंट कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा या अफिलिएटेड कॉलेज अर्थात प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा। और कुछ छात्र छात्रा यह भी सोच रहे होंगे कि हमारे गांव के या घर के नजदीक में जो कॉलेज है उसमें एडमिशन कैसे मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को किसी भी कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा ना तो एंट्रेंस एग्जाम पास करनी होती है। तो एंट्रेंस एग्जाम 120 अंकों की होती है, 120 में कोई भी निगेटिव मार्क नहीं रहता है। 120 में अगर आप 90 या 100 प्लस अंक लाते हैं तो ज्यादा चांस हो जाता है कि आपको कोई ना कोई सरकारी कॉलेज मिल ही जाएगा। सरकारी कॉलेज अगर आप लोगों को मिल गया तो सोने पे सुहागा। कारण यह है कि सरकारी कॉलेज में बीएड का फी बहुत ही कम है कंसिस्टेंट और अफिलेटेड के मुकाबले, और यहाँ पे आप लोगों को हॉस्टल भी मिल जाएगा, साथ में आपको स्कॉलरशिप जो है 40-50 हजार तक मिल ही जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे इनके फायदा क्या होते हैं। तो ये रहा सरकारी कॉलेज के फायदे। अब बात कर लेते हैं कि कंसिस्टेंट अर्थात अर्ध सरकारी कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा, क्योंकि सब चाहते हैं सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना लेकिन सीट कम है और कट ऑफ के हिसाब से आपका नाम नहीं आया उसमें, तो बीएड तो करना ही है ना, तो कंसिस्टेंट कॉलेज भी कर लेते हैं। देखिए, कंसिस्टेंट मतलब होता है अर्ध सरकारी कॉलेज, आधा सरकारी आधा प्राइवेट रहता है, ठीक है, तो उसमें आपको फी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। फी आपको लगेंगे दोनों साल मिलाकर 1.5 लाख रुपया, एक साल में 75 हजार और द्वितीय साल में भी 75 हजार, अर्थात 1.5 लाख रुपया लगेगा कॉलेज का फी। अगर आपका कट ऑफ कंसिस्टेंट कॉलेज में भी नहीं आया तब तो आएगा आपको अफिलिएटेड अर्थात प्राइवेट कॉलेज में। आप देखिए, प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो फी में कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ कॉलेज का फी कंसिस्टेंट में भी 1.5 लाख और अफिलिएटेड में भी 1.5 लाख, ठीक है, तो दोनों में 1.5 लाख रुपया लगेगा। इसके बाद क्या होता है कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप जब होता है ना तो कंसिस्टेंट कॉलेज वाला 2000 रुपया अगर एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने को लेता है तो यहाँ पे अफिलिएटेड कॉलेज वाला हो सकता है कि 5000 रुपया आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने में लेगा। कोई कोई तो 10000 रुपया भी ले लेता है, कोई 3000 ले लेता है, तो जैसा कॉलेज वैसा पैसा लेता है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा छात्रों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद अगर आप अफिलिएटेड कॉलेज में क्लास नहीं करते हैं, सबसे बारीक बात यही है और सब चाहते हैं क्लास नहीं करे, तो अफिलिएटेड कॉलेज में अगर आप क्लास नहीं करते हैं तो एब्सेंटी फी जोड़ देगा और कम नहीं
कम से कम 5,000 और ज्यादा से ज्यादा 20-25,000 एब्सेंटी फी हो गया। उसके बाद एग्जाम आंसर फॉर्म फिलअप करिए, अर्थात न जाने कितना कितना फी ये कॉलेज वाले ले लेते हैं। तो जो अच्छा कॉलेज हो उसी में आप लोगों को एडमिशन लेना है, ठीक है, न कि जिसमें जानकारी ना हो उसमें एडमिशन ले। देखिए प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेने के लिए जाइएगा ना, तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि कॉलेज वाले से न पूछ करके पहले जो सेकेंड ईयर के छात्र छात्राएं होंगे बीएड वाला, उनसे उस कॉलेज के बारे में जानकारी ले लीजिएगा कि इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन हम लेते हैं तो अगर क्लास नहीं करते हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, वो सभी चीज आप सेकेंड ईयर वाले छात्र छात्राओं से पूछ लीजिएगा। और बाद में आप कॉलेज वाले से जाकर के पूछिएगा, कॉलेज वाले गलत भी बता सकते हैं लेकिन छात्र तो गलत नहीं बताएंगे आप लोगों को। तो आप लोग समझ गए ना कि अफिलिएटेड कॉलेज उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है जिसमें आप लोगों को जानकारी हो, छात्रों से जानकारी आप लोग ले लीजिएगा। जहां आप लोगों को दिक्कत ना हो वहां आप लोग एडमिशन लीजिए, जहां दिक्कत हो वहां एडमिशन नहीं लेना है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को सभी बात मैंने बता दिया कि आप बीएड करना चाहते हैं तो बिहार से कितना फी लगेंगे। ये कि सर आपने बीएड की है तो आपको कितना फी लगा है, तो सेम सिचुएशन है, मैंने भी अफिलिएटेड कॉलेज से बीएड किए हैं तो मुझे लगभग कंप्लीट होने में 2,00,000 रुपया जरूर लग गया होगा। उसके बाद क्लास का प्रेशर, ठीक है, और ये नहीं बताऊंगा मैं किस कॉलेज से बीएड किया, इतना ही बता दिया हूँ कि मुझे 2,00,000 रुपया तक लगा। कॉलेज का फी तो 1,50,000 रुपया लगा ही, इसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के फी, उसके बाद एब्सेंटी फी, तो वो सब आप लोगों को लगेंगे ही, अफिलिएटेड कॉलेज में इतना नुकसान हो जाता है। तो इच्छुक रहेंगे क्लास करने को लेकर तभी आप अफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा, अन्यथा नहीं लेने का प्रयास करिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।